सोबत असेल जाणीव। रोक ठोक बातम्यांसाठी पाहत राहा जाणीव मराठी। होऊ द्या जाणीव, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा आपल्या हक्काचे चॅनल जाणीव मराठी। जय गोपाल। आज दमन दलवाड़ा की जय जलाराम। पीड़ाग्रस्त गौशाला में गौशाला की सभी गौ माताओं के लिए मीठी मीठी गुड़ की लापसी का भोजन बनाया गया है। ये लापसी के अंदर मूंग चने दाल, अजवाइन, मेथी, नमक और अपना ये गेहूं का भूसा, तुअर की चुनी, गुड़, ये सब डाल के लापसी का भोजन बनाया गया है। और ये अपना जामुन जामुन भी डाला है। आज भगवान ने ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के निमित्त सभी गौ माताओं के लिए मीठी गुड़ की लापसी का भोजन दिया है। और दरिया दिल्ली मुंबई कर की तरफ से सभी गौ माताओं के लिए लापसी का भोजन दिया है। खूब धन्यवाद है ये अर्चना जी और सब अपना ग्रुप आए हैं मुंबई से। खूब साधुवाद है इनको। नमस्कार, जय जलाराम गौ सेवा। आज मैं डॉक्टर अर्चना देशमुख दमन से गौशाला में आई हूँ। यहाँ पर हम एक गाय का ऑपरेशन करवा रहे हैं आज, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है। डॉक्टर्स डे, सीए डे है और साथ ही साथ मेरे पूजनीय मेरे पिताजी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू पापा जी। आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने बहुत बड़ा एक टास्क लिया है हाथ में। एक गौ माता का ऑपरेशन का हमने बीड़ा उठाया है और पूरा ऑपरेशन में और मेरे टीम की मेंबर मिलकर यहाँ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत सहयोग है इसमें, हनुमान जी का बहुत सहयोग है। गौशाला बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे करीब करीब 200 के करीब गाय हैं, जिसमें बहुत सारी गाय एक्सीडेंट वाली भी है हमने देखा, साथ ही साथ छोटे बच्चे हैं गाय के जो बछड़े बोलते हैं। और हमने उन लोगों के लिए थोड़ा चारा, लापसी, फल फ्रूट, सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ और कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर वितरित करी है। आज अभी ऑलमोस्ट ये ऑपरेशन हमारा कंप्लीट होने को आया। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुली रहा है। और आज एक गाय के पेट से निकाला गया है जिसमें इतने सारे लोग लगते हैं, एक इंसान के बस की बात नहीं है। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं अभी ऑपरेशन 99% सक्सेसफुल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये उनका पेट की पूरी तरीके से सफाई हो चुकी है, उसमें से ना जाने कितने प्रकार के कचरा और ये सब चीज़ें निकली है। तो भगवान का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमने जो इतना बड़ा रिस्क आज लिया है वो सक्सेसफुली रहा है। और मैं मेरी टीम की सभी बहनों का धन्यवाद देती हूँ, हर्षा लपासिया जी, श्यामा अग्रवाल जी, कल्पना तिवारी जी, शशि अय्यर जी, जो इन लोगों ने भी कदम से कदम मिलाया, सपोर्ट किया और आगे आए। और इतने बड़े कार्य में एक आदमी के बस की बात नहीं है, हम लोग ने सब ने मिलकर ये किया है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे भी हम इस टाइप के कार्य करते रहेंगे। अगर हम इनको ये खिलाते हैं तो सोच लो हमको दूध देगी तो कैसा देगी और हमारे बच्चे कैसे होंगे। तो ये सब जानकर आज बहुत दुख हो रहा है कि जाने अनजाने में लोग क्या क्या कर्म कर बैठते हैं और कर्मों की आगे बढ़नी पड़ती है। बिल्कुल इसको दुख हो रहा है गाय को भी, क्योंकि इसके पेट में इतना सारा है। और यहाँ ये डॉक्टर्स की टीम है जो अपनी सेवाएं दे रही है, हनुमान भाई जी है जो भी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। और आज मैं यहाँ आई हूँ दरियादिल ग्रुप मुंबई कर की ओर से,
और यहाँ डॉक्टर कल्पना तिवारी जी है, इन्होंने सबने मिलकर यहाँ ये गौ माता का ऑपरेशन कराया है। हम सबने कुछ ना कुछ इसमें अपनी उंगली लगाई है। हम दरिया झील मुंबई करके एक छोटी सी टीम हमारे साथ आई हुई है और हमारी एक छोटी सी बहन है। हमने इस टाइप के बहुत ऑपरेशंस पहले करवा चुके हैं, ऑनलाइन करवा चुके हैं, बट हमारे क्लब के कुछ मेंबर्स जैसे श्याम अग्रवाल जी, शशि अग्रवाल जी, डॉक्टर कल्पना तिवारी जी, हर्षा लापाशिया जी और ये मैं खुद अर्चना देशमुख, हम लोग सब आज यहाँ पर आए हैं। हम लोग ये चाहते थे हम हमारे सामने ये ऑपरेशन करवाए और इसका फल जो भी रिजल्ट है सबके सामने आए और देखे कि ये हमारी गौ माता किस प्रकार के दर्द और पीड़ा से गुजरती है। और ये सब कहीं ना कहीं हम ही जैसे मानव का ही कर्म है कि उनके कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। कई सालों से बोला जा रहा है कि प्लास्टिक बंदी पे काम करें, प्लास्टिक ना यूज करें, उसके बाद में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल मार्केट में हो रहा है जो हमारे नेचर और पर्यावरण के खिलाफ है। आपको होगा कि प्लास्टिक सालों साल तक नॉन डिस्ट्रॉय होने वाली चीज़ है, ये कभी खत्म नहीं होती, तो हमें टोटली अब इसका इस्तेमाल करने से आज ये देखने के बाद तो अभी हमको प्लास्टिक नफरत हो गई है। ऐसा लगता है कि आज के बाद जीवन में हम कभी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तू आ बाजू आवी जा, दरिया दिल तारो पावडो लेले पावडो, दरिया दिल जिंदाबाद, दरिया दिल जिंदाबाद। हम सब अर्चना जी की वजह से, डॉक्टर अर्चना जी की वजह से यहाँ तक आए हैं। वापी में फर्स्ट टाइम हम आए हैं, फर्स्ट टाइम आई हूं अर्चना जी की वजह से हमारे आने आपका है। थैंक यू। और दरिया दिल हमारा ऐसे ही बस, ये देखो कितना विशाल है, उतना ही होता रहे। इसी प्रकार विशाल हमारा ग्रुप फैलता रहे, सबकी सोच ऐसी ही अच्छी रहे, एक साथ रहे और एक साथ मिलजुल कर हम काम करें। और हम बार बार आते रहे, हमारे हनुमान जी ऐसा बोलते हैं आज 5 आए अगले टाइम 50 आए। वेरी गुड। हमारा तो आज से भी बड़ा ग्रुप है वैसे। सबसे बड़ी बात आज जगन्नाथ जी की यात्रा है, एक बार तो हमें कृष्ण भगवान का जयकारा लगाना। बोलो की जय। इसके अंदर में गेहूं का भूसा है, तुअर की चुनी है, मूंग है और ये अपना चने की दाल है, मेथी है, अजवाइन है, नमक है और ये अपना घोड़ है 40 किलो। ये सब चीज़ें मिक्स करके ये लापसी का भोजन बनाया है। ये टोटल लगभग 700 किलो टोटल। हाँ, ये महीने में लगभग 7 से 8 बार ऐसा गाय को ऐसा। हाँ हाँ, जैसा दानदाताओं के हिसाब से रहता है, जैसी बहुत बड़ी। टोटल 250 जीव है, छोटे बड़े सब 250 है। बछड़ों की वजह ऐसी है कि रोड पे जो भी गाय मर जाती है कभी कभी ऐसा, तो छोटे जो बच्चे रहते हैं गाय के, तो हम लोग लेके आ जाते हैं या कोई उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो इसके लिए बछड़े ज़्यादा ये सब बिना माँ वाले ऐसा हम वो बोतल से दूध पिला के उनको और उनको बड़ा करते हैं, पालते हैं ऐसा, यहीं रहते हैं। हम बछड़ों को देते हैं किसानों को, जो बड़े बछड़े ऑपरेशन करके बड़े अच्छे बछड़े स्वस्थ हो जाते हैं उनको किसानों को दान में देते हैं। आज सबसे बड़ी पहल गवर्नमेंट ने करी है, 30 जून लास्ट डेट थी, फर्स्ट जो प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया, जिसमें 12 आइटम है जो नहीं किए जाएंगे। मैं
ऑर्डर से बहुत खुश हूँ कि सारे हमारे समाज को प्लास्टिक यूज करना छोड़ देना चाहिए ताकि गाय कुछ धोखे से भी ना खाएं। और उनको कितना बड़ा दुख झेलना पड़ता है कि आज जो ऑपरेशन के रूप में देख रहे हैं, तो प्लीज प्लास्टिक बैन होना चाहिए, कुछ भी मत डालो प्लास्टिक। ये जो है ना, ये चमड़े का आइटम रहता है, ये चमड़े की चीज कुछ भी खा जाती है ऐसा रोड पे घूमने घूमते, क्योंकि इसमें ये अपना ये रहता नमकीन जैसा, हाँ। उसको खा लेता है, उसको टेस्ट लगता है तो वो खा लेते हैं, और वो खत्म नहीं होता है, वो पेट में कहीं ना कहीं जम जाता है, वो वापस नहीं आता ना, वापस ठीक है। हम लोग थोड़ा बोलता हूँ, नया एक्सपीरियंस हुआ है कि बच्चों को कर की तरफ से डॉक्टर अर्चना देशमुख फाउंडर एंड